अगली बड़ी खबर की तरफ, मध्य प्रदेश बीजेपी की सूची से जुड़ी है यह खबर। यह 20 अक्टूबर को आएगी सूची, अब पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक के बाद आएगी सूची। 20 अक्टूबर को दिल्ली में फिर होगी बैठक, तो क्या पेचो खम है कुछ, क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा है यह रास्ता। तो 20 अक्टूबर को यह बैठक आएगी, और आपको बता दें कि रात 12:30 बजे तक एक दिन पहले यह बैठक चली। बैठक में कुछ सीटों पर नहीं बनी बात, तो 20 अक्टूबर को दिल्ली में फिर बड़ी बैठक होगी इलेक्शन कमेटी की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सूची फिलहाल टल गई है 2 दिनों के लिए, और अब 20 अक्टूबर की कहानी हमें मिल रही है। बहुत ही बड़ी खबर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पूरी तवज्जो चाहेंगे हम इस पर आप सभी की। मनोज हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ रहे हैं। मनोज, ये बड़ी खबर है, किन सीटों पर पेच है और क्या कहानी है, जरा समझाइए हमको। जी मनोज, देखिए सरद जी, 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जिन पर पैच फंसा हुआ है, खासकर वो सीनियर लीडर जिसमें 7 से ज्यादा तो मंत्री है, विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी है इसमें, तो वो तमाम सारे लोग हैं जिनको लेकर पैच फंसा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी यानी जो मध्य प्रदेश का संगठन है या यहाँ के लोगों की तरफ से जो सर्वे कराया गया उसके आधार पर 2 दिन पहले जो बैठक हुई उसमें नाम तय कर लिए गए थे और 94 लोगों की सूची आ जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही केंद्रीय नेताओं के साथ कल रात जो बैठक हुई तो उसमें बात नहीं बनी, क्योंकि जो सर्वे कराया उससे वो मैच नहीं खाई, जिसके कारण फिर कई लोगों की नींद उड़ने वाली है। यानी आगामी जो सूची है वो 20 तारीख को की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक है। आज जेपी नड्डा साहब का राजस्थान दौरा था, इसलिए व्यस्तताएं बहुत है, उसके कारण ये बैठक टली है, वरना आज भी बैठक हो सकती थी। अब 20 तारीख को पार्लियामेंट कमेटी की बैठक है, उसके बाद सूची दिखाई देगी, लेकिन सूची जब तक नहीं आ जाती तो जो कटने वाले हैं और जो पाने वाले हैं दोनों की नींद उड़ने वाली, क्योंकि सभी की नजर इस पर है कि आखिर किसको मिलेगा और किसका कटेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 3 मंत्रियों के लिए नुकसान हो सकता है, कुछ विधायकों को नुकसान होने जा रहा है और कुछ नए चेहरों को मौका मिलने जा रहा है। हो सकता है दूसरी पार्टी से जो हाल ही में ज्वाइन किए हैं वो भी अगली सूची में नजर आएंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं मनोज कि कुछ दिग्गज नेताओं को नुकसान, कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरों को कहा जाएगा कि इंतजार करिए। बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रहे हैं कि 20 सीटों